पीपल्स पार्टी ने सेनेट में इलेक्शन मुलतवा की करारदाद की हमायत नहीं की। सेनेटर श्री रहमान कहती हैं मौकफ वाजिया है, इलेक्शन बर वक्त हों। मुल्क में हिजानी की कैफियत नहीं फैलाई जानी चाहिए और बेयकीनी की कैफियत नहीं होनी चाहिए। बेनजीर भुट्टो की शहादत के बावजूद मुल्क में इलेक्शन हुए। मुल्क में मुश्किल हालात हैं लेकिन मुश्किल में हमारा आईन सामने रखा है। बिलावल हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए श्री रहमान का कहना था हमारा मौके वाजे रहा है कि मुल्क में बर वक्त इलेक्शन होने चाहिए, मुल्क में हिजानी कैफियत नहीं फैलानी चाहिए और बेयकीनी की कैफियत नहीं होनी चाहिए। हमारी तरफ से ऐसी किसी करारदाद में हमारी आवाज शामिल नहीं होगी। हमारा वाजे मौकफ रहा है कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए, ये मुल्क में हिजानी और परेशानी की कैफियत नहीं फैलानी चाहिए, बेयकीनी और नहीं होनी चाहिए और हमारी तरफ से कोई ऐसा सवाल ना उठे जिसमें हमारी आवाज शामिल हो। श्री रहमान का कहना था कि हमारी तैयारी हो रही है, हम मैदान में मुतहर्रिक हैं, हमारी तमाम टिकटें फाइनल हो चुकी हैं और हमारी बाकी तैयारी भी हो चुकी है। इलेक्शन की सरगर्मी पीस पार्टी ही करती रही है। बहुत सारी तंजीमें पीछे हट रही थी या राय फरार अख्तियार कर रही थी, पीपुल्स पार्टी फ्रंट लाइन में थी। पीपुल्स पार्टी का 10 नुकाती इकोनॉमिक चार्टर भी हमारे चेयरमैन ने खुद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। श्री रहमान का मजीद कहना था हमने तो बिलावल भुट्टो को वजारत उस्मा का उम्मीदवार भी नामजद कर दिया है, तो पीस पार्टी का तो मौकिफ वाजे है कि इलेक्शन बर वक्त हो। कैमरामैन उसामा सिद्दीकी के साथ मंजर रिजवी, सच न्यूज कराची।